अच्छा ये भी बताइएगा कि आ, बस तो आप क्योंकि प्रॉपरली कनाडा का, का काम करते हैं तो इसमें आप क्या प्रेफ़र करते हैं कि कौन से वीज़ाज़ लोगों को किस वीज़ाज़ में अप्लाई करना चाहिए और जो ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनके कि वो रिफ्यूज़ ना हो अच्छा इसका तो कोई अलगरिदम है नहीं okay. कि कौन सा वीज़ा अप्लाई करेंगे तो और वो भी रिफ़ीज़ नहीं होगा बिकॉज दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द एक प्रोफाइल बड़ी एक बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में आ, ये आप इसको तासुर कह लें या लोगों की एक बन गई है कि जी हम किसी तरह से अमेरिका कैनेडा चले जाएं और चाहे वो हम विज़िट वीज़ा पर चले जाएँ ज़्यादा लोग विज़िट वीज़ा पर इंसार करते हैं और विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं उसके लिए अपनी प्रोफाइल सेट करते हैं उसके लिए बैंक स्टेटमेंट और सारा एक टाइम लगा कर वो सारी रिक्वायरमेंट्स बनाकर उनकी ये होती है कि क्योंकि जो अक्सर लोगों से अगर बात करें तो वो कहते हैं जी जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो कहते हैं बस यहाँ पर आ जाओ यहाँ पर आकर आपका वीज़ा बेसिकली चेंज हो जाता है एज अ सोशल वेलफेयर कंट्री कैनेडा के बारे में मशहूर ये है कि अगर आप वहाँ पे उनके बॉर्डर पे लैंड कर जाते हैं वो आपको बाहर आपको निकालते नहीं ठीक है तो दे आर वेरी वेलकमिंग उसमें उनके पास सर्टन पॉलिसीज हैं सर्टन प्रोविंस में जहाँ पे अगर आप एज अ विजिट वीजा भी वहाँ पे जाते हैं और अगर आपको वहाँ पे कोई जॉब ऑफर मिल जाती है इसके अगर आपको कोई जॉब ऑफर लेटर दे देता है हुँ. तो आप अपने चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस की बेस पे हुँ. इसके उसमें टर्म यूज़ होती है चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस पहले सही. वो विजिटर था हुँ. लेकिन अब उसको वहाँ पे जॉब ऑफर मिल, मिल गई है ठीक okay. है दैट ही कैन नॉट Uber. नो इट्स नॉट Uber. दैट हैज़ टू बी समिंग रिलेटेड टू रिलेट अगेन स्किल्ड ठीक है तो अगर उसको जॉब ऑफर हो गई है hmm. तो ऑबियसली उसके अब सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए और इसमें कितना base, सच है कि वहाँ पर बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि वर्क वीजा बेचते हैं बिल्कुल ऐसे ही है बेतहाशा हैं उन्होंने कंपनीज सिर्फ इस काम के लिए रजिस्टर की हुई होती हैं कि वो इस तरह के लोगों को एंटरटेन कर सकें हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ड्रॉबैक ये आता है कि लेट सपोज कि एक विजिटर वहाँ पे गया और उसने पैसे स्पेंड करके उस कंपनी से वर्क परमिट ले भी लिया और वो खुदा ना खास्ता चंद महीनों के बाद या चंद एक साल के बाद वो कंपनी बंद हो जाती है वेरी दैट पर्सन स्टैंड बिल्कुल तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो शायद लोगों को और ये पे लोगों के, के साथ के होता भी है हुआ भी है अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट uh, क्वेश्चन है फिर मैं आपसे अदर साइड पे आऊँगा जो लोग वहाँ पहुँच गए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैनेडा से वापस भी आए और क्योंकि कैनेडा टाइम बाई टाइम अब वक्त के साथ साथ कनाडा भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है बिल्कुल वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और स्पेशली जो रेंट्स हैं जो आपकी कॉमोडेशन है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है जिसकी वजह से लोगों को इतनी कमाई नहीं है जितने एक्सपेंसेस चले जाते हैं इसका जो बेसिकली डायरेक्ट लिंक है ना वो सप्लाई एंड डिमांड के साथ होता है फॉर इंस्टेंस <coughs> अब अगर कनाडा को देखा जाए तो कनाडा इज़ डिवाइडेड इनटू द प्रोविंसेस राइट उसमें आपके पास ऑनटेरियो भी है सस्कैचविन uh, भी है ब्रिटिश कोलंबिया भी है ठीक है अब हम हर प्रोविंस के ऊपर ये वाला नहीं हम लोग कर सकते कि वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं इसलिए लोग वापस आ रहे हैं लोग जिनके पास स्टेटस होता है वहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मूव कर जाते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे आता है लेट्स सपोज टोरंटो की अगर हम बात करें ऑनटेरियो में रश इतना हो गया हुआ है कि वहाँ पे एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है सही। है। और जहां पे जो चीज अवेलेबल नहीं होती उसका ऑटोमेटिकली रेट ऊपर चला और जाता है। ये भी आ, 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 आप ने बड़ा बेहतर बताया ये भी सच है कि जहां जहां जैसे आपने बताया जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं वो तो बहुत महंगे जी लेकिन जो उनकी ऐसी स्टेट्स हैं या ऐसे मतलब ऐसी जगहें हैं ऐसे शहर हैं जो अभी इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है क्योंकि कनाडा भी बहुत ज़्यादा अंडर डिवेलप बिल्कुल है। ऐसी है और एक्सट्रीम वेदर की वजह से अगर जितना आप नॉर्थ की साइड पर जाते जाते हैं जिधर जिद, जहाँ जहाँ एक्सट्रीम वेदर है वहाँ वहाँ आपके लिविंग एक्सपेंसिज़ भी कम हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं लेकिन उनकी मतलब जो रेट्स हैं वो ज़रा थोड़े कम होते हैं आपको जो वेजेज़ हैं वो ज़रा कम है लेकिन आप सर्वाइव कर सकते बिल्कुल स्टैंडर्ड रेट जो है वो तो तकरीबन पूरे कनाडा में सेम ही होता है वहाँ का सिर्फ एक इशू आ जाता है जब आप जितना तरह मूव करते जाते हैं इन एरियाज़ में क्योंकि वो वेल well डिवेलप्ड नहीं होते नहीं। उस उसकी वजह से वहाँ का जो वेदर कंडीशन है उसको बेसिकली मोनिटर uh, करने के लिए या उसके साथ वो करने के लिए उनके पास वो चीज़ें नहीं होती तो आपने अक्सर सुना होगा

तो ओंटारियो में हुआ है तो उसका क्या प्रोसेस है और ये क्या कब तक होगा ये जरा मुझे बता देंगे आप कि वर्क क्या प्रोसेस होता है ये वो ओके okay, जी अच्छा अब इन्होंने जो जिक्र किया इन्होंने जिक्र किया एल के लिए मैंने अप्लाई किया और उसके लिए बायोमेट्रिक हो गए अच्छा आई एम नॉट श्योर के इसमें कितना क, वो है क्योंकि एल एम आई ए बेसिकली स्टैंड फॉर लेबर मार्केट इम्पैक्ट असमेंट अच्छा अब ये लेबर मार्केट इम्पैक्ट असमेंट एक्चुअली है क्या उसमें ये होता है कि जब कनाडा में आपको जॉब ऑफर आती है ठीक है वो आती है एल एम आई ए के थ्रू मीन्स के लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट के बाद उसका मतलब ये है कि लट सपोज एक कैनेडियन फर्म है उसने एक जॉब एडवर्टाइज़ की सबसे पहले वो जॉब एडवर्टाइज़ करेगा विद इन विद इन द प्रोवेंस और विद इन द सिटी ओके वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे उनके पास सीवीज आएंगे अगर उनके पास उनको ये लगा कि नहीं हमारे पास इस तरह का जो केपेबल पर्सन है वो हमें नहीं मिल रहा वो फिर उसको पूरे कैनेडा के लिए ओपन करेंगे फिर वो इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे

का प्रोसेस और रह जाता जो ये पूछना ज़्यादातर लोग जो लोग इमिग्रेशन के लिए परमानेंट सेटल डाउन होने के लिए या उनके पास थोड़े से पैसे हैं वो ज़्यादातर इसी के थ्रू अप्लाई करते हैं ये क्या वजह ये आपने अभी आप बात की थी ना कि वहाँ पे कंपनीज हैं डिफरेंट जो आपको ये प्रोवाइड कर देती हैं डॉक्यूमेंट सर्टेन अमाउंट चार्ज करके तो बिल्कुल दै दैट इज़ बेसिकली ये ख़ास तौर पर बताइएगा कि ये कितनी हद तक आ, मतलब आप समझते हैं कि ये ऑथेंटिक है. है और दूसरा ये भी बताइएगा कि इसके अंदर इस कोर्स के अंदर कितने पैसे लग जाते हैं आ, पैसों का तो टू बी ऑनेस्ट वो हर एक का एक अपना रेट होता है मीन्स कि जो स्टार्ट होता है वो जो हमारे कानों तक पहुँची हुई है वो तरीबा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर्स से स्टार्ट हो जाता, स्टार्ट हो जाता है स्टार्ट होता है और ऑथेंटिसिटी देखें जिसने वर्क परमिट बेचना है उसकी ऑथेंटिसिटी अब पता नहीं किस तरह लोग आइडेंटिफाई करते हैं किस तरह नहीं करते मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने पच्चीस पच्चीस तीस हज़ार डॉलर चार्ज किया है और यही बोलते रहे हैं कि आज हो रहा है कल हो रहा है छः महीने उनके ही पैसों से बिजनेस किया है ठीक है और जब वो नहीं हुआ साल डेढ़ साल उनके इंसिस्ट करने के बाद वो पैसे उन्होंने वापस कर दिए सो बेसिकली मोस्टली ये होता है कि वो आपसे पैसे ले लेते हैं उन पैसों को या तो बैंक में रखवा देते हैं उससे बिजनेस करते हैं उससे जब प्रॉफिट आता है और जब आप इंसिस्ट करते हैं तो पैसे वापस कर देते हैं मैंने बहुत रेयर कोई देखा है कि किसी को मिला और जिसको मिला है उसने अपने बलबूते पे लिया है मीन्स के उसने जॉब्स अप्लाई की हैं okay. और उसने लिया है इवन के हम सिर्फ कनाडा की अगर बात कनाडा से थोड़ा सा हटें यूके hmm. का लिटरली लिटरली आई हैव सीन फ्रॉम माय ओन आईज टुडे एक रिफ्यूज़ल hmm. जिसके ऊपर लिखा था क्योंकि देखें जब आप स्किल्ड वो अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए तो उसमें सेवनटी पॉइंट्स आपने क्लेम करने होते हैं जिसमें से टेन पॉइंट्स आपके लैंग्वेज के होते हैं और वो स्पॉन्सर okay. वाले होते हैं बकाया

फाइव uh, uh, अच्छा। ईयर का रेजिडेंट कार्ड है स्पेन का अच्छा तो मेरे पास फाइव इयर्स का रेजिडेंट कार्ड किसका है स्पेन का सर वाइफ का है सर वाइफ का है ठीक तो आप पाकिस्तान में हैं वाइफ आपकी स्पेन में है वो भी आया ही है पाकिस्तान में सर वो पाकिस्तान में ही है तो आप कनाडा मूव करना चाहते हैं जी जी सर ओके okay, अभी इनका आप आप अपना स्टेटस क्या है आपका अपना स्टेटस क्या है सर मैं जॉब करता हूँ सर गवर्नमेंट नहीं आपकी वाइफ के पास जो फाइव ईयर्स का रेजिडेंस परमिट है उसकी बेस के ऊपर आपने स्पेन के लिए पहले अप्लाई क्यों नहीं किया आ, सर वो अभी डिले है अभी प्रोसेस चल रहा रहा है है उसमें काफ़ी टाइम लग देखिए आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जब हम कनाडा की बात करते हैं किसी भी मुल्क की बात करते हैं और हम उसके वीजा की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी अपने मुल्क में खुद की स्टैंडिंग क्या है ठीक है कि आप कनाडा किस पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं फॉर इंस्टेंस अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके सर्टन रूल्स हैं और अगर आप विजिट करना चाह रहे हैं कैनेडा तो उसकी सर्टन रूल सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और अगर तो आपके माइंड में ये है कि हम विजिट के ऊपर वहाँ पर जाते हैं तो आपकी अपनी जो खुद की स्टैंडिंग है यहाँ पे वो बहुत मैटर करती है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं और आपका बिजनेस क्या है या आपकी जॉब क्या है और आपकी सबसे इम्पॉटेंट जो चीज़ यहाँ पे है वो ये है कि आपकी पाकिस्तान के साथ इस मुल्क के साथ आपकी खुद की टाइज कितनी स्ट्रॉग है कि आप, को अगर विजिट वीज़ा ग्रांट किया जाए तो आपके पास वापस आने के कौन कौन से हैं तो बिल्कुल अब अगर आप इन चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं तो आप बिल्कुल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं सही मेरा उम्मीद है कि आपको आप बात समझ में आ गई होगी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने पहले ये चूज़ करना है कि आपने किस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना है और आपकी एलिजिबिलिटी क्या है ये डिस्कस करें आप किसी कंसल्टेंट के साथ बैठ कर और फिर अपना सारी प्रोफाइल को डिस्कस करने के बाद वही आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा वीज़ा प्रेफर बिल्कुल ऐसे है।, है बिल्कुल ऐसे है